एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर हमें उसके आंसर्स समझने भी हैं और सॉल्व भी करने। तो ये वीडियो आपके पास कुछ चैप्टर नंबर 1 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आंसर के लिए मौजूद है आपके पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के अंदर वो है फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीटेड द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड बाय, यानी कि हमें क्यों जरूरी होता है कि हम किसी भी आंसर के लिए कोई यूनिट स्पेसिफाई करें, कि यूनिट डिस्क्राइब करवाएं, लिखना क्यों जरूरी है। तो इसके लिए हमने काफी सारी चीजें समझी थी, बात की थी हमने इसके ऊपर, सही है। तो मैं इसको आपको इस तरह से समझा सकता हूँ कि किसी भी क्वांटिटी को, फिजिकल क्वांटिटी को खास तौर पे आप डिस्क्राइब करने के लिए, उसकी अहमियत बताने के लिए यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दी थी कि आप अगर लिक्विड चीज लेने जा रहे हैं तो आपके पास यूनिट स्पेसिफाई करना जरूरी है, वरना पता नहीं चलेगा जो चीज खरीदी जा रही है वो लिक्विड है या सॉलिड है। और दूसरी बात, यूनिट स्पेसिफाई करना इस वजह से भी जरूरी है कि वो चीज जो आप खरीदने जा रहे हैं वो किस मिकदार में आपको चाहिए, सही है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको यूनिट को बहुत ज्यादा जरूरी से इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि मुझे अगर दूध परचेज करना है तो आपको 1 लीटर दूध चाहिए, आधा लीटर दूध चाहिए, सही। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे 1 दूध चाहिए, सही है, 2 दूध चाहिए, 10 दूध, मुझे आगे उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कितना, कितनी क्वांटिटी, 1 पाव, 1 किलो या 1 लीटर या फिर आपके पास 100 लीटर, कितना, ये स्पेसिफाई करने के लिए आपको यूनिट लगाना जरूरी हो जाता है। तो देखते हैं इसको आप थ्योरेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं। सो फॉर एन आंसर टू बी कंप्लीटेड द यूनिट नीड टू बी स्पेसिफाइड बिकॉज द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज मेड रिलेटिव टू पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और यूनिट, सही है। यानी कि आपने जो वैल्यू लिखी है उसको किसी स्टैंडर्ड पे होना लाजमी है या यूनिट में होना ज्यादा जरूरी है ताकि मैं कंफर्म कर सकूं कि कोई मेजरमेंट है, सही है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, मेजरमेंट है, और मेजरमेंट को अगर यूनिट में डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्या चीज है, कितनी है। तो वी ऑल्सो नो दैट देयर आर वेरियस यूनिट सिस्टम फॉर फिजिकल क्वांटिटीज, हमें ये भी पता है कि हमने कई सारे यूनिट सिस्टम पढ़े हैं, CGS, MKS, FPS, SI सिस्टम भी एक सिस्टम है, डायमेंशन सिस्टम पढ़ा है। तो मुझे यूनिट तुमने नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊंगा, या किसी ने मुझे यूनिट नहीं बताया तो मैं कैसे बताऊंगा कौन से सिस्टम के अंदर आपकी क्वांटिटी बेसिकली लाए करती है। और एवरी सिंगल क्वांटिटी कंटेन मल्टीपल यूनिट विद रिस्पेक्ट टू इट्स यूनिट सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया मास, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मास का जो यूनिट है SI सिस्टम में kg है, लेकिन CGS के अंदर ग्राम है और FPS के अंदर पाउंड है। अगर मैं कोई चीज लेने जाता हूँ, 1 kg कोई चीज चाहिए, तो मैं 1 बोलकर अगर बोलूंगा मुझे 1 दे दो, ये 1 मतलब कितना, अगर उसकी क्वांटिटी ऐसी है बिना मेजर करे हुए, बिना तोले हुए आप नहीं ले सकते, तो आपको यूनिट स्पेसिफाई करना जरूरी है। किसी भी तरह का यूनिट स्पेसिफाई करें लेकिन करें। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको यहाँ पे मास की एग्जाम्पल दे दी है। सेकेंड क्वेश्चन आपके पास है वॉट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI यूनिट्स का इस्तेमाल करना हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। सो एडवांटेज तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन एक सबसे अच्छा एडवांटेज है कि आपको कन्वर्जन नहीं करनी पड़ती यूनिट्स के अंदर, अगर आप एक ही सिस्टम के अंदर है। जरूरी नहीं ऐसे सिस्टम की बात हो रही है, SI तो आपके पास स्टैंडर्ड है इंटरनेशनली, यानी कि हर जगह पे सेम यूज होता है, तो इसी वजह से हमें इसको यूज करना पड़ता है। जस्ट सपोज कि अगर आपके पास CGS सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम होता तो मैं उसको आसानी इस्तेमाल कर रहा होता। वजह क्या है, मुझे उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। वजह क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हर कोई सिस्टम को उसी सिस्टम में कन्वर्ट कर रहा होता, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करने बैठते हैं हम क्या देखते हैं, भाई CGS में है आप SI सिस्टम में कर दो, FPS में है SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, MKS में है SI सिस्टम में कन्वर्ट कर दो, मुझे SI सिस्टम चाहिए। पहली वजह तो आपके पास समझ में आ गई कि मुझे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरी जो वजह है इसकी बहुत आसान, कि आपके पास आपको नोन होता है, अगर मैं कह दूं कि भाई SI सिस्टम में सारे यूनिट्स रहेंगे तो आपको पता है मास का यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि
लेंथ का यूनिट क्या होगा, आपको पता है कि आपके पास टाइम का यूनिट क्या होगा, उससे हट के आप बात ही नहीं कर सकते। तो आपको 100% कंफर्म है कि सारे यूनिट्स कौन कौन से होंगे, सही है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट वजूहत हैं, तो मैंने वो बातें आपको थ्योरेटिकली यहाँ पे लिख के बता दिए। तो वीडियो को थोड़ी देर पॉज करके पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा, मेरी बातों को समझिएगा। मैं वर्ड टू वर्ड कोट तो नहीं करूंगा, लेकिन आप सारी चीजों को रीड करने के बाद फिर मेरी बातों को सुनिएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल इसमें आप ले सकते हैं कि जैसे कि आपके पास लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो अब मीटर को आपको कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। मीटर आपको पता है कि मुझे ऐसा सिस्टम में काम करना है, तो आप मीटर पे रह के ही सारे काम करेंगे। ओके, किसी भी चीज में हो आपको मीटर में रहते हुए काम करना है। ओके, और आपको पता है आने वाला आंसर भी मीटर में होगा, क्योंकि ऐसा सिस्टम में सॉल्यूशन मौजूद है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी रेडियंस अकाउंट फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल। एक सर्किल में कितने रेडियंस होते हैं, सिर्फ ये पूछा जा रहा है। पार्ट 2 आपके पास है, हाउ मेनी स्ट्रेडियंस अकाउंट फॉर एरिया ऑफ स्फीयर। अच्छा, बुक के अंदर एरिया की जगह पे सर्कमफेरेंस लिखा हुआ है, तो सर्कमफेरेंस का मतलब दोबारा से रेडियंस वाली बात आ जाएगी, क्योंकि स्फीयर का सर्कमफेरेंस नहीं काउंट किया जाता, उसका सरफेस एरिया काउंट किया जाता है। ओके, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट वॉज एरिया नॉट सर्कमफेरेंस। मैंने यहाँ करेक्टेड वैल्यू लिखी हुई एरिया, आप वहां पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा। पहले हम पहले हिस्से पे बात करते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल की, तो वही चीज जो मैंने आपको समझाई थी, अगर स्लाइड्स आपके पास हैं, मौजूद हैं, बहुत अच्छी बात है, तो आप पिक्चर को भी देखें और एनिमेशन को भी देखें, सही। तो पहले मैं पिक्चर आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्या है कि मुझे ये पता है कि एक रेडियन बराबर होता है आपके पास उस एंगल के जो किसी आर्क लेंथ से फॉर्म हुआ हुआ। ये आर्क लेंथ क्या होती है, आर्क लेंथ आपके पास इक्वल डिस्टेंस वाली लेंथ है सर्किल के ऊपर जो रेडियस के बराबर होती है। जैसे कि एनिमेशन में देखा आपने, रेडियस से जो रेड लाइन बनी है ये आर्क लेंथ है, सही। ये रेड कलर की जो लेंथ है ये आर्क लेंथ है आपके पास, तो इससे जो रेडियन बनेगा वो रेडियन, जो एंगल बनेगा वो रेडियन कहलाएगा। और हाफ सर्किल के अंदर आपके पास पाई रेडियन होता है, 1, 2, 3 रेडियन, 3 के बाद पाई रेडियन आ जाएगा, सही। और दो, एक सर्कल के दो हाफ होते हैं तो कितने रेडियन हो गए, 2 पाई रेडियन। यानी इतना मुझे कंफर्म है कि एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियन मौजूद हैं। एनिमेशन भी देखिएगा साथ साथ और मेरी बात भी सुनिएगा। सो इन द डायग्राम द एंगल थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन सिंस द आर्क ए बी इज द सेम लेंथ एज द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, जो मैंने आपको बात समझाई। सो नाउ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज 2πr, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है 2πr है। R is radius, अगर मैं radius को थोड़ी देर के लिए गायब कर दूं तो 2π is basically angle. और what is 2π? 2π is the circumference of circle which is in 2π radian. तो radian और आपके पास degree basically angle का unit है। तो अगर मैं radian में बात करूंगा तो आप समझ जाइएगा मैं angles की बात कर रहा हूँ। ओके, मैं अगर 2π r लिख दूं उसके आगे, radian वाला r नहीं, radius वाला r, तो radius वाला r लिखा होगा, इसका मतलब मैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल की लेंथ की बात कर रहा हूँ, कितनी लेंथ है सर्किल की। 2π r और 2π रेडियन में फर्क है, 2π r इज अ लेंथ, 2π रेडियन इज बेसिकली एन यूनिट ऑफ एंगल। ओके, तो ये मैंने नीचे लिख दिया, 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियंस। तो ये कंफर्म हो गया कि एक सर्किल के अंदर 2π रेडियंस मौजूद होते हैं। इसको मजीद अच्छे से पढ़ने के लिए बुक को फॉलो करें, बुक को रीड करिएगा जरूर। ओके, इसके सेकंड पार्ट के लिए मैं आपके पास आ जाता हूं यहाँ पे। तो इन सेकंड पार्ट आपको स्ट्रेडियन से अब पूछा जा रहा है कि कितना एरिया है एक स्फीयर का, सही है, और उस एरिया में आपके पास कितने स्ट्रेडियन मौजूद हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बाय एन एरिया ऑफ सरफेस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओके, तो आपके पास जो सरफेस एरिया है स्फीयर का, ओके, जो वो बराबर है स्क्वायर ऑफ रेडियस के, सही है। द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सरफेस स्फीयर ऑफ रेडियस इज 4πr², यानी मैं अगर पूरे स्फेयर को पकड़ूं और मैं कहूं व्हाट इज द सरफेस एरिया, मुझे कितना, फॉर एग्जांपल मुझे कितना पेंट करना पड़ेगा इस बॉल के ऊपर, तो आपको कितना एरिया कवर करना होगा पेंट करने के लिए, 4πr², r² अगेन
लेंथ और रेडियस जो के दो हिस्सों से मिलकर बना है, मतलब अगर आप कोनिक शेप देखते हैं तो कोनिक में आपको दो रेडियस एट अ टाइम नजर आते हैं, सही। तो वो दो रेडियस आपके सामने मैंने बनाए हुए, तो वो दो रेडियस मिलके आपके पास एरिया बना रहे हैं, तो वो एक लेंथ है। लेकिन अगर मैं इस आर स्क्वायर को हटा दूं तो वो 4π बनता है, जैसे कि 2π बना था। तो 4π क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज स्फीयर। ओके, एंगल सबटेंडेड बाय अ क्लोज स्फीयर एट इट्स सेंटर इज 4π आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर व्हिच इज 4π। तो 4π आर स्क्वायर को डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दोगे तो आपके पास रह जाएगा 4π, यानी कि पूरे स्फीयर के अंदर कितने स्टेडियंस बन सकते हैं? 4π स्टेडियंस बन सकते हैं। कितने स्टेडियंस बन सकते हैं? पूरा स्फीयर कितने स्टेडियन का है? 4π स्टेडियन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? हाउ कैन इट लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस्ड? लीस्ट काउंट एरर के बारे में मैंने आपको एरर पढ़ाते हुए समझाया था कि लीस्ट काउंट एरर होता क्या है। सो लीस्ट काउंट के बारे में तो हमें पता है, स्मॉलेस्ट मेजर्ड वैल्यू बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। ओके, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। और उसी लीस्ट काउंट के अंदर अगर आपके पास कोई एरर एसोसिएट हो जाता है, एरर अकर हो जाता है, तो आप कहते हैं ये एरर लीस्ट काउंट एरर है। यानी कि लीस्ट काउंट में आपका इश्यू आ रहा है, मैंने जो स्टेपरेटर्स आपको पकड़ाया है वो थ्योरेटिकली उसका एरर में भी 0.1 होना चाहिए, लेकिन आपने जो एरर चेक करा बोला सर 0.2 एरर आ रहा है, इसका मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर है, विच इज कॉल्ड लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर की दो वजूहत हो सकती हैं, एक तो सिस्टमेटिक एरर, ऑब्वियसली आपका सिस्टम खराब है, आपका एपरेटस खराब है। दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर कंडीशन के चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेप्थ के चेंज होने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल लाइट की इंटेंसिटी कम होने की वजह से, बहुत सारे ऐसी वजूहत हैं जिसपे आपका कोई कह सकते हो कि कोई असर नहीं है, आप उस चीज को रोक नहीं सकते, तो वो रैंडम एरर कहलाता है। यानी वो आना ही आना है, सिस्टम का, सिस्टम के ऊपर एनवायरनमेंट का असर पड़ना ही पड़ना है, तो वो रैंडम एरर कहलाता है। इन दोनों एरर्स की वजह से जो एरर आता है उसको लीस्ट काउंट एरर भी कहा जाता है। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन में दिया है कि हाउ कैन लीस्ट काउंट एरर बी रिड्यूस, यानी कि आप उसको कैसे कम कर सकते हैं। सो रिडक्शन ये है कि आप इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज करें जो हाईली प्रिसाइज हो, यानी उसको माइनर से माइनर वैल्यू मालूम करने में आसानी हो इंस्ट्रूमेंट को। फॉर एग्जाम्पल वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज मैंने आपको पढ़ाया था, तो वर्नियर कैलिपर में जो लीस्ट काउंट था वो 0.01 था, बट स्क्रू गेज में लीस्ट काउंट 0.01 था, तो आपके पास बहुत अच्छा और हाईली प्रिसाइज कौन सा इंस्ट्रूमेंट हो गया दोनों के दरमियान में? स्क्रू गेज। स्क्रू गेज ज्यादा डिजिट्स, कम डिजिट्स तक, यानी पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स तक वैल्यूज को नोट कर रहा है, या ज्यादा नंबर्स तक वैल्यूज को नोट कर रहा है। इससे भी कम अगर आपके पास और भी वैल्यूज हैं, यानी आपके पास कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट आ गया जिसमें 0.001 से भी लीस्ट छोटे आपके पास लीस्ट काउंट आ रहे हैं, तो वो और प्रिसाइज हो जाएगा। जितना प्रिसाइज लीस्ट काउंट वाला आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे उतना ही कम आपके पास एरर आएगा, या आप उस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। तो बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन और उस इंस्ट्रूमेंट से बार बार रिपीटेशन करें अपनी वैल्यूज की, तो आपके पास जो एक्चुअल आंसर आएगा, बहुत सारे आंसर आएंगे, हम हमेशा ऐसे ही करते हैं प्रैक्टिकल्स के अंदर कि हम एक आंसर नहीं निकालते, उसको मजीद रिड्यूस करने के लिए कई सारे आंसर निकालते हैं और उसका फिर मीन निकाल लेते हैं। उससे भी आपके पास आपका आंसर काफी क्लोज हो जाता है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी के, यानी हम एक्यूरेसी के काफी करीब ले जाते हैं अपनी वैल्यू को, 10 दफा वैल्यू निकाल के, 5 दफा निकाल के, 20 दफा निकाल के। तो जहां पे एरर आने की कह सकते हो कि पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे हम वैल्यूज भी ज्यादा निकालते हैं। जहां हमें पता है एरर बहुत कम आएगा, तो हम 3 से 4 वैल्यूज निकाल के अपना प्रैक्टिकल रोक देते हैं, उसके बाद उसका मीन निकाल लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इंक्लूडिंग मोर डिजिट्स इन आंसर डज नॉट मेक द वैल्यू एक्यूरेट? पूछा ये जा रहा है, उन्होंने आंसर भी दे दिया है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो मुझे बताएं क्यों नहीं हो सकता। तो व्हाई इंक्लूड, यानी कि क्यों वैल्यू के अंदर ज्यादा डिजिट ऐड करने से आपके पास एक्यूरेसी नहीं आती, क्या ऐसा पॉसिबल है?
इसके पीछे लॉजिक्स हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपके पास नंबर्स दिए जिसके अंदर आपने नंबर्स को पॉइंट के बाद बढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने वैल्यू दी थी 3.1, आपने इसको 3.13689 तक वैल्यू निकाली। ओके, तो इसके अंदर जो आपके पास जो नंबर आप इंक्रीज करते हैं उसमें बेसिकली मेजरमेंट सर्टेन होती चली जाती है, यानी कि आपके पास प्रिसीजन बढ़ता चला जाएगा और अनसर्टेनिटी कम होती चली जाएगी। ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज है, इससे एरर कम हो रहा है, अनसर्टेनिटी कम होती चली जा रही है। सो यू गेट वेरी प्रिसाइज आंसर बट इट विल नेवर मेक योर वैल्यू एक्यूरेट। इस तरह से आपकी वैल्यू कभी एक्यूरेट नहीं बनेगी। हाँ, एक और चीज पे डिपेंड करता है जो है रेंज, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपका आंसर इसी रेंज में आना चाहिए, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, वरना आपका आंसर सही नहीं होगा। तो ये आपको मैंने रेंज बता दी, इस रेंज से आगे मत जाना। तो रेंज पे डिपेंड करता है, बताई गई है। और दूसरा कि आप अगर नंबर बढ़ा भी रहे हो तो आपकी एक्यूरेसी की अचीव नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, जरा एग्जाम्पल देखिएगा। I have an accurate measurement of something which is equal to 3.0 gram. मैंने कोई मास मेजर किया है जिसको 3.0 gram के था बराबर, लेकिन अब जब दूसरे लोगों ने उसको मेजर करा या जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी वो 3.0 थी, बट जो अब मेजर हो रही है वो 2.9 gram हो रही है, क्योंकि बहुत हाईली एक्यूरेट है, बिल्कुल 0.1 का फर्क है, हाईली एक्यूरेट वैल्यू है, बट नॉट एग्जैक्टली द सेम एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है, highly accurate जरूर है, accuracy की करीब है, but it is not an accurate value. लेकिन मैंने कहा इसको accurate बनाओ, आपने क्या किया 2.9 के बाद बहुत सारे number लगा दिए, 9, 8, 7, 6, 4, 2, कुछ भी, बहुत सारे number लगा दिए। क्या आपने इस number को accurate बना दिया? नहीं, ये number अब भी accurate नहीं हुआ, अभी भी accurate नहीं हुआ, कुछ भी कर लो ये accurate नहीं होगा, 10-12 number और लगा दो। वजह क्या है, आंसर आपका 3 ग्राम है और ये 3 ग्राम नहीं बन रहा। राउंडिंग की बात मैं नहीं कर रहा, राउंडिंग हम अपनी आसानी के लिए करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्या आपके डिजिट बढ़ने से एक्यूरेसी पे फर्क पड़ा, क्या नंबर एक्यूरेट हो गया? नहीं, नहीं हुआ एक्यूरेट। सो बिकॉज माई गिवन रेंज इज सिंगल डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट, और इसकी एक वजह ये भी थी कि आपको जो रेंज थी वो पॉइंट सिर्फ जीरो, एक डिजिट थी जीरो की, और अगर आप यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करेंगे तो आपके पास फिर भी एक ही डिजिट बचा है। ओके, तो राउंडिंग ऑफ की इसमें बात ही नहीं हुई, तो राउंडिंग ऑफ पे आपके पास मामला ही चेंज हो जाते हैं, इसमें राउंडिंग ऑफ या सिग्निफिकेंसी की कोई बात नहीं है। सिर्फ बात ये थी कि कितने डिजिट डालूं कि एक्यूरेसी हो जाए। मैंने कहा भी 100 भी डाल दो एक्यूरेट नहीं होगा, सही। तो दैट इज वाई इफ यू एडिंग मच मोर डिजिट्स, बट इट नॉट नेसेसरी दैट यू आर मेकिंग एक्यूरेट आंसर। सही है, आपकी एफर्ट बहुत अच्छी है प्रिसाइज करने के लिए, नंबर की अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए, लेकिन एक्यूरेसी के लिए बहुत गलत आपका तरीका है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिटरमाइन द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट। क्या चीज है जो प्रिसीजन, मेजरमेंट की प्रिसीजन को बताती है कि यहाँ पे वैल्यू प्रिसाइज है। तो उसकी डेफिनेशन अगर आपको याद है, बहुत ही आसान सी, तो प्रिसीजन रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ टू और मोर मेजरमेंट टू ईच अदर, यानी मैं बहुत सारी मेजरमेंट्स ले रहा हूँ और उनके दरमियान में कितनी क्लोजनेस है वो आपके प्रिसीजन को शो कर रहा होता है कि दो वैल्यूज आपस में कितनी प्रिसाइज हैं। या फिर आप एक ऐसा कह सकते हैं कि अकरेंस ऑफ सेम वैल्यू रिपीटेडली, सही है, यानी कि ऐसी वैल्यूज जो एक ही जैसी दिखने वाली वैल्यूज हैं और वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, यानी मुझे बार बार वही वैल्यू रिपीट होते हुए नजर आ रही है जो मैंने पहले निकाली थी, बार बार वैल्यू 2 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, 2 आ रही है, दिस इज प्रिसाइज वैल्यू। भले से एक्यूरेट ना हो, प्रिसाइज जरूर है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको लेक्चर के दरमियान भी दी थी कि अगर आपने किसी सब्सटेंस को 5 टाइम मेजर करा है और उसका जो आंसर है वो 3.2 kg आपने हर दफा निकाला, तो आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, हर दफा सेम आंसर आ रहा है। सही है, करीब करीब भी आ सकता है तब भी प्रिसीजन अच्छा है, सेम आएगा तो बहुत अच्छी प्रिसाइज वैल्यू है। ओके, अगर दो क्वांटिटीज आपस में डिफरेंट डायमेंशन रखती हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है? और फिर पूछ रहे हैं कि क्या इनको एड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं? तो अगर आपको रूल्स याद हों और चीजें याद हों, हमने सॉल्यूशन में जो देखा है उसके बाद उस आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल आपके सामने
आ जानी चाहिए, आपको कंफर्म हो जाना चाहिए। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन और इक्वलिटी बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन आर नॉट पॉसिबल, व्हाइल डिविजन मल्टीप्लीकेशन आर पॉसिबल। तो हमने जहां तक डायमेंशन को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, हमने देखा हमने कहीं पे भी एडिशन का सहारा नहीं लिया, और जहां एडिशन का सहारा लिया वहां पे उन डायमेंशन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। जैसे कि आपने आपने अगर m प्लस m किया है तो वो 2m हो गया, और हमें पता है डायमेंशन के अंदर 2 की कोई वैल्यू ही नहीं है, ये 2 इज अ कॉन्स्टेंट, तो m m ही रहा। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन की वजह से आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसी वजह से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की कोई अहमियत नहीं है डायमेंशन के अंदर। हाँ, अलबत्ता डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशन आर पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल हैं, बिकॉज वी हैव सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशंस फॉर सॉल्विंग डायमेंशंस। जैसे कि आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूँ, इफ यू ट्राई टू ऐड और सब्ट्रैक्ट डायमेंशन ऑफ मास एंड लेंथ, अब देखो दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, मास और लेंथ की, एम एंड एल, तो मैं एम और एल को अगर ऐड करूं तो क्या आप ऐड कर सकते हैं इसको? नहीं, नहीं कर सकते। मैथ का भी सिंपल रूल है, एक्स और वाई को आप ऐड नहीं कर सकते, आप उसको एक्स प्लस वाई ही रखते हैं, कभी भी एक्स वाई स्क्वायर नहीं करते थे। तो इस तरीके से एम प्लस एल हमेशा एम प्लस एल ही रहेगा और आंसर पॉसिबल नहीं है ऐसा कोई नया। सेम एज एम माइनस एल इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, ओके। बट अगर मैं इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड करूं, यानी कि एम मल्टीप्लाई बाय एल, तो ये एम एल हो जाएगा, एक वैल्यू बनती है, और अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ m डिवाइड बाय l, तो ये m l इनवर्स हो जाएगा, ये भी एक वैल्यू बनती है। यानी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है मल्टीप्लाई और डिवाइड में इन डायमेंशंस, ये हमें कंफर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा आपके पास ट्रिक वाला क्वेश्चन है, इसको जरा समझिएगा। द ह्यूमन पल्स, सही, जो नर्व्स कहलाती है, and swing pendulum are possible time units. Possible time units मतलब है कि इन दोनों की जो time units हैं वो तकरीबन same हैं. So why are not often used? तो हम इन दोनों को use क्यों नहीं करते as a time units? यानी कि ये दोनों जो use होते हैं वो time के लिए ही use होते हैं, time के लिए use करते हैं दोनों को, लेकिन इनको आप कभी ऐसे नहीं पढ़ते कि भाई हाँ कितना time गुजर गया, भाई इतने ह्यूमन पल्स गुजर चुके हैं या इतने पेंडुलम्स गुजर चुके हैं, सही है? तो आप नहीं कह सकते क्यों, यही पूछा जा रहा है कि हम इसको यूज क्यों नहीं करते। भाई पेंडुलम भी टाइम के लिए यूज होता है, तो हम क्यों यूज नहीं कर सकते? उसका सिंपल सा एक रीजन है, जरा गौर करिएगा। डू यू नो 1 सेकेंड इज अबाउट द एवरेज रेस्टिंग ह्यूमन पल्स? अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि नॉर्मल ह्यूमन की पल्स जो है जो रेस्ट में आती है वो 1 सेकेंड के लिए आती है हमेशा, ओके? लेकिन अगर मैं उसकी बहुत प्रिसाइज वैल्यू मेजर करूं तो वो हमेशा चेंज होती है कुछ ना कुछ, यानी हमेशा 1 नहीं आती, 1.1 होगी, 1.01 होगी, 1.02 हो जाती, कभी 1.2 हो जाती, एग्जैक्टली 1 नहीं रहती, जिसकी वजह से एक बेटर ऑप्शन मेरे पास आता है कि मैं पेंडुलम को इस्तेमाल करूँ। पेंडुलम का मैग्नीट्यूड बेटर है, बट ऑल्सो उसकी कंडीशन भी वेरी करती रहती है, क्योंकि अगर पेंडुलम को आप हाइट पर ले जाएंगे तो उसकी आप उसका वैल्यू अलग देखेंगे, पेंडुलम को अगर आप किसी लोअर लेवल पे ले जाएंगे तो उसकी वैल्यू अलग देखेंगे, सही। लेकिन अगर आपको फिर भी टाइम को मेजर करना है तो पेंडुलम इज बेटर चॉइस देन ह्यूमन पल्स, दैट इज व्हाई वी यूज पेंडुलम इन क्लॉक फॉर मेजरिंग टाइम, नॉट पल्सेस, सही। तो मैंने इस जवाब, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें आपको समझाने की कोशिश करी कि पल्स इज ऑल्सो इज मेजरमेंट और यूनिट फॉर टाइम, बट इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट एज पेंडुलम, एंड पेंडुलम इज ऑल्सो नॉट वेरी एफिशिएंट, इसी वजह से हमने पेंडुलम वाली क्लॉक्स को बनाना बंद कर दिया। अब हम सेल्स के ऊपर काम करते हैं, हम अपने हमने कैलकुलेशंस को चेंज कर लिया है, अब हम अपने बनाई हुई मशीन्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा एक्यूरेसी के साथ लॉन्ग लास्टिंग एक ही टाइम एक ही पल्स एक ही कह सकते हो कि मोशन में चलती रहती हैं। ओके, तो मैंने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है, मैंने यहाँ पे दो काम करे हैं, एक आपको बताना कि पल्स और स्विंग पेंडुलम में क्या सिमिलैरिटीज हैं और उनको टाइम यूनिट में क्यों काउंट किया जा सकता था या क्यों नहीं कर रहे, और दूसरी बात ये कि पेंडुलम इज मच बेटर फॉर टाइम मैनेजमेंट टाइम कैलकुलेशन। जस्ट सपोज मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास ना
घड़ी है ना पेंडुलम है, तो आप अपनी नब्ज से भी टाइम मेजर कर सकते हैं कि आपकी नब्ज हर एक सेकंड बाद पड़ती है। तो आप काउंट कर सकते हैं कि आपका टाइम कितना गुजर गया है किसी जगह पे। बट इट्स ऑल्सो वेरी लेजी प्रोसेस और इट इज ऑल्सो वेरी नॉट प्रिसाइज प्रोसेस, बट एक हद तक काम कर सकते हैं। सेम एज पेंडुलम के साथ, पेंडुलम का भी अपना अपना वाइब्रेट करने का टाइम पीरियड होता है, उसकी वाइब्रेशन से आप काउंट कर सकते हैं कि आप कितनी देर से पेंडुलम को यूज कर रहे हैं, आप कितनी देर से सर का लेक्चर चल रहा है, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीजें। बट अगेन बोथ आर नॉट वेरी प्रिसाइज, इसी वजह से हम इसको आप चेंज कर चुके हैं अपने डिजिटल चीजों के अंदर। लेकिन आंसर में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर देना था वो हम दे चुके हैं। ओके, तो वो आंसर आपके सामने मौजूद है। इसके अलावा भी अगर सवाल हो तो हम उससे पूछ सकते हैं। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर, इफ द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इज दैट क्वेश्चन इज राइट इक्वेशन। ये वाली बात ही मैं आपको समझा चुका था डायमेंशन समझाते हुए, कि जो पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेफ्ट एंड राइट साइड सही हो गई है, तो क्या इक्वेशन भी सही है? तो मैं जवाब देता हूँ नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि डायमेंशन सिर्फ आपके पास राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू के वैल्यूज या क्वांटिटीज की डायमेंशन को इक्वल करने का नाम है, बस वेरिफिकेशन है एक तरह। और वो वेरिफिकेशन आप अपनी मर्जी के यूनिट्स, अपनी मर्जी के क्वांटिटीज डाल के भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपने नई इक्वेशन बना ली है। नहीं, आपने इक्वेशन नहीं बनाई है, बल्कि आपने सिर्फ डायमेंशन के लिए उस इक्वेशन को प्रूफ कर लिया, सही। लेकिन हाँ, ये है कि अगर डायमेंशन सही नहीं होती तो 100% इक्वेशन गलत है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और इसका एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम ने किया भी था, आपको याद होगा। सो इफ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इट डजंट मीन दैट द इक्वेशन मस्ट बी ट्रू, जो मैंने आपको बात बताई। सो क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस इज अ टेक्निकल और टेक्निक टू यूज चेक वेदर रिलेशनशिप करेक्ट और नॉट। बस सिर्फ रिलेशनशिप देखने का तरीका है कि इक्वल से पहले और इक्वल के बाद वाली वैल्यूज में सिमिलरिटी है या नहीं है, तो इक्वेशन चेक नहीं कर सकते आप इससे। लेकिन ये 100% श्योर है कि अगर डायमेंशन करेक्ट नहीं है तो इक्वेशन भी करेक्ट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास चैप्टर की एक्सरसाइज के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस एंड हुए। ओके, इसको जो समझ में ना आए इसको बार बार रिपीट करके मेरे लेक्चर को समझिएगा, और कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।